राजधानी भोपाल के संगम सिनेमा हॉल में शो खत्म होते ही एक्शन शुरू हो गया। जी हाँ, थिएटर हॉल में एक मंच चला अक्षय और कैटरीना के रोमांटिक सीन के दौरान एक लड़की को छेड़ रहा था, जिसके बाद लोगों ने मंचले की इस करतूत पर उसे धो डाला। आपको बता दूं कि संगम टॉकीज में रात 12 बजे के दौरान फिल्म सूर्यवंशी का आखिरी शो चल रहा था। फिल्म में अक्षय और कैटरीना का रोमांटिक सीन पर्दे पर आया, जिस दौरान एक युवक ने पीछे बैठी एक युवती को अश्लील इशारे किए और भद्दी हरकतें करना शुरू कर दी, जिसके बाद रोमांटिक मूवी एक्शन शो में तब्दील हो गई। पहले युवती ने सैंडल उतार कर मंचले को पीटना शुरू किया, फिर आसपास बैठे दर्शकों ने भी उसकी पिटाई शुरू कर दी। पहले सभी ने थिएटर के अंदर युवक की धुनाई की और फिर थिएटर से बाहर निकाल कर भी उसे जमकर पीटा। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भोपाल की ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी भोपाल के संगम सिनेमा हॉल में शो खत्म होते ही एक्शन शुरू हो गया। जी हाँ, थिएटर हॉल में एक मंच चला अक्षय और कैटरीना के रोमांटिक सीन के दौरान एक लड़की को छेड़ रहा था, जिसके बाद लोगों ने मंचले की इस करतूत पर उसे धो डाला। आपको बता दूं कि संगम टॉकीज में रात 12 बजे के दौरान फिल्म सूर्यवंशी का आखिरी शो चल रहा था। फिल्म में अक्षय और कैटरीना का रोमांटिक सीन पर्दे पर आया, जिस दौरान एक युवक ने पीछे बैठी एक युवती को अश्लील इशारे किए और भद्दी हरकतें करना शुरू कर दी, जिसके बाद रोमांटिक मूवी एक्शन शो में तब्दील हो गई। पहले युवती ने सैंडल उतार कर मंचले को पीटना शुरू किया, फिर आसपास बैठे दर्शकों ने भी उसकी पिटाई शुरू कर दी। पहले सभी ने थिएटर के अंदर युवक की धुनाई की और फिर थिएटर से बाहर निकाल कर भी उसे जमकर पीटा। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भोपाल की ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी भोपाल के संगम सिनेमा हॉल में शो खत्म होते ही एक्शन शुरू हो गया। जी हाँ, थिएटर हॉल में एक मंच चला अक्षय और कैटरीना के रोमांटिक सीन के दौरान एक लड़की को छेड़ रहा था, जिसके बाद लोगों ने मंचले की इस करतूत पर उसे धो डाला। आपको बता दूं कि संगम टॉकीज में रात 12 बजे के दौरान फिल्म सूर्यवंशी का आखिरी शो चल रहा था। फिल्म में अक्षय और कैटरीना का रोमांटिक सीन पर्दे पर आया, जिस दौरान एक युवक ने पीछे बैठी एक युवती को अश्लील इशारे किए और भद्दी हरकतें करना शुरू कर दी, जिसके बाद रोमांटिक मूवी एक्शन शो में तब्दील हो गई। पहले युवती ने सैंडल उतार कर मंचले को पीटना शुरू किया, फिर आसपास बैठे दर्शकों ने भी उसकी पिटाई शुरू कर दी। पहले सभी ने थिएटर के अंदर युवक की धुनाई की और फिर थिएटर से बाहर निकाल कर भी उसे जमकर पीटा। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भोपाल की ब्यूरो रिपोर्ट।